अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से पीएचडी की अप्लाई करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिनलैंड में आके मास्टर्स करते हैं और उसके बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आज खुद डॉक्टर फास सौरभ के पास जा रहा हूँ, जिन्होंने दामपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और वो यहीं पर पोस्ट डॉक भी हैं। तो अभी मैंने उनसे टाइम लिया और अब मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए उनके तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो अब मैं आ चुका हूँ डॉक्टर फाहद सौरभ की तरफ। तो चलिए इनसे इंटरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर करेंगे और जिसके साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो इसमें आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे भी, क्योंकि मुझे भी पीएचडी के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी पीएचडी का प्लान नहीं किया और ना कभी इसकी तरफ जाने का सोचा है। तो चलिए चलते हैं फाद भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम फाद भाई, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी फाद भाई, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ताकि फाद है और मैंने रिसेंटली पीजी कंप्लीट की है यहाँ से तामपुर यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं एज अ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो काम कर रहा हूँ तामपुर यूनिवर्सिटी में ही, जिसको मैंने पीजी की है। ठीक है। अच्छा, तो फाद भाई कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सबसे पहला सवाल ये कि जो लोग पाकिस्तान से मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा गाइड करते हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले ये कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट रिसर्च ग्रुप, कि कहाँ पे आपने पीजी करनी है, क्या डोमेन है आपका, किस डिपार्टमेंट में, किस यूनिवर्सिटी में, किस फैकल्टी में, तो वो सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। उसके अलावा है कि पीजी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग। तो फंडिंग है कि अगर आप फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कोई फंडिंग आपके पास हो, या आप विन करते हो कोई स्कॉलरशिप मेरी की होगी या कोई इस तरह की और स्कॉलरशिप्स होगी, तो ऑफकोर्स वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेसर के साथ आपका वो गुड मैच बन जाए, कि आपकी रिसर्च प्रोफाइल क्या है, कोई बैकग्राउंड में आपने कोई काम किया हो, तो आप प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करते हो और वो आपके लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें आपको एज अ रिसर्चर पार्ट बना देते हैं और फिर आपकी पीएचडी उसी से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जब पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको आईएलटीएस, जीआरई या जीमैट कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है कि वो डायरेक्ट इनरोल करवा सकते हैं? अच्छा, फिनलैंड में एक ये रूल है फॉर एग्जांपल के इनरोलिंग योर सेल्फ इन द पीएचडी और बींग रिसर्चर इन रिसर्च ग्रुप, ये दो अलग तरह की चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर आ सकते हो, लेकिन शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो एज ए पीजी स्टूडेंट। लेकिन ये भी फॉर एग्जांपल पॉसिबल है कि आप पीजी स्टूडेंट एनरोल हो जाओ, लेकिन आप जॉब ना करो यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर, आप किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। ठीक है। तो जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स है, दे आर मोस्टली बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि यार टू बी एनरोल्ड इन अ स्कूल, जिस तरह मास्टर्स में होती है या किसी और भी प्रोग्राम में, तो पीएचडी की भी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यार यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक बैंड इन आईएलटीएस। और कितने रिक्वायरमेंट्स हैं? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल में 6.5 मिनिमम था कुछ साल पहले के लिए। और जो जीआरई और इस तरह की जीमैट है, मेरे ख्याल में वो नहीं रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट तामपरे में मुझे नहीं याद पड़ता कि रिक्वायर्ड है। तो आईएलटीएस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्लान वगैरह, सीवी, और जो भी वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च ग्रुप या डिफरेंट प्रोग्राम्स। लेकिन जो जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स है, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंसेस फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, सीवी वगैरह, और आईएलटीएस, मेरे ख्याल में ये हर जगह पे है और ये बड़ा कॉमन है कि ये बेसिक आपके होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स फिनलैंड आके मास्टर्स करते हैं और उसके बाद वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? मेरे ख्याल में वो सिमिलर ही है, शायद उसमें यह है कि आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसी यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स किया होगा जो कि सेम यूनिवर्सिटी होगी या सेम कंट्री में है, कि यार उनको पता है कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लेवल क्या है। लेकिन उसमें भी वही है कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेसर, प्रोफेसर आपको इंटरव्यू करेगा किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी रिसर्च प्रोग्राम में अगर आप हो, तो उसके लिए ही विल मेक यू पार्ट ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट, और फिर आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है। तो बेसिक उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है कि यू हैव टू पब्लिश पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, जनरल पेपर्स, और जो कोर्स रिक्वायरमेंट है वो है कि 40 क्रेडिट्स है मेरे ख्याल में, वो बड़े मिनिमल है, उसमें इतना नहीं होता। लेकिन फिर जो रिसर्च पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स है आफ्टर यू आर एनरोल्ड इन द पीएचडी, वो भी वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च ग्रुप टू डिफरेंट रिसर्च ग्रुप। 3-4 कॉन्फ्रेंस पेपर, 2-3 जनरल पेपर, उसमें आपकी पीएचडी हो जाती है। लेकिन जो मेन उसमें है कि जो फंडिंग एक्वायर करनी है, वो उसी तरह है कि यू हैव टू कीप इन टच विद द प्रोफेसर्स,
और उसके अलावा जो मैंने शुरू में बताया कि थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप भी आपकी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी हो सकती है, लेकिन उस केस में यह है कि यार यू हैव टू फाइंड अ सुपरवाइजर। और जो दूसरा वे है कि यार रिसर्च ग्रुप में प्रोजेक्ट होते हैं, आप उसमें अप्लाई करते हो एज अ पोजीशन के लिए, रिसर्चर के लिए, और फिर आप उस पोजीशन पे आ जाते हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी एज अ एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी। तो जो बीइंग पार्ट ऑफ द रिसर्च ग्रुप और बीइंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है, ये दो अलग अलग तस्वीर किए जाते हैं फिनलैंड में, क्योंकि आप पीएचडी स्टूडेंट हो भी सकते हो by not being active in a research group and vice versa, कि आप research group में active है but not enrolled in a PhD program, तो वो बड़ा vary करता है। और it also leads to this thing कि यार कुछ लोग बड़े जल्दी PhD कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो सालों लगा लेते हैं। तो it's all about कि what you want, is the research profile more important for you, कि आप as a researcher रह रहे हो और continue कर रहे हो अपना research plan, और कुछ है कि नहीं आप you are focused on your PhD and you want the degree at the end as soon as possible. Okay. अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे फिनलैंड का स्कोप क्या है, लाइक उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके पास अपने पीएचडी। जी, तो पीएचडी जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास दो मेन ट्रैक्स आ जाता है, ईदर यू वांट टू कंटिन्यू इन द एकेडेमिया जिसमें आप पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो की तरफ जा सकते हो, या रिसर्च साइट पे विच विल लीड अल्टीमेटली टू बिकम अ प्रोफेसर इन द एकेडेमिया। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आरएनडी साइट पे चले जाओ, डिफरेंट कंपनीज में भी आप सेम ट्रैक में भी अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो, और यू कैन गो एंड कंटिन्यू इन द सिमिलर काइंड ऑफ डोमेन्स। और दूसरा ये भी है कि आप स्टिल यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर काम कर रहे होते हो विदाउट फॉलोइंग और क्लाइंबिंग द एकेडमिक लैडर, तो मतलब ऑल यू हैव टू डू इज डू द रिसर्च। इसके अलावा आप टीचिंग साइड पर भी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी में पेडागोजी के कुछ कोर्सेज होते हैं वो आप कर लो, तो यू कैन बिकम अ टीचर और इन द लॉन्ग टर्म प्रोफेसर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, यू कैन गो टू द एकेडमिया एंड यू कैन ऑल्सो स्टे विद इन द कंपनी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कंपनी के साथ एफिलिएशन हो जाओ और पार्ट टाइम एकेडमिया में पार्ट टाइम कंपनी में वो भी कर सकते हो। ऑल यू हैव टू हैव इज के आपके जो अपने डेली आवर्स है और किस तरह डिवाइड करते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुल जाती है मेरे ख्याल में पीएचडी के बाद। ओके, तो क्या पीएचडी पेड होती है या अनपेड है यहाँ पे? अच्छा, जिस तरह शुरू में भी मैंने बताया कि पीएचडी एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी एंड हैविंग अ पोजीशन इन द रिसर्च ग्रुप, दे आर बोथ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो जो आपकी एनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में वो तो आप एनरोल हो जाते हो, ठीक है, यू आर नाउ पीएचडी स्टूडेंट, लेकिन अगर आपके पास अपनी स्कॉलरशिप नहीं है तो ऑफकोर्स देन यू हैव टू लुक फॉर फंडिंग, विच मीन्स दैट यू हैव टू हैव अ पोजीशन इन द रिसर्च ग्रुप। तो जब आप रिसर्च ग्रुप का पार्ट होते हो या कोई प्रोफेसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ही विल प्रोवाइड फंडिंग फॉर यू, तो वो फिर ऑफकोर्स पेड होती है। एंड आई वुड रिकमेंड कि नोबडी शुड डू पीएचडी विदाउट बीइंग पेड, इधर यू हैव टू डू इट कि यार आप किसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग सिमिलर रिसर्च व्हाट यू आर डूइंग इन योर जॉब एज इन द एकेडमिया इन योर रिसर्च ग्रुप। तो मेरे ख्याल में जितने भी मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ या मेरे सराउंडिंग में जितने भी कोलीग्स हैं वो सारे फुली पेड है, तो पेड है। तो कितनी पे मिलती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या कोई बता देंगे? तो तामपेर यूनिवर्सिटी में ये बड़ा इनका वो है कि स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे ही आप इनरोल हो जाते हो तो मेरे ख्याल में मिनिमम 2200 से स्टार्ट होती है यूरोस पर मंथ, और आप पीजी के एंड पे 3400 तक चले जाते हो, ठीक है। तो इट वेरीज बिटवीन मेरे ख्याल में 2200 टू 3300 इस दौरान आपकी सैलरी होती है। तो शुरू में अगर आप बिल्कुल नए आ जाते हो, कोई इतना रिसर्च आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप मिनिमम शुरू हो जाते हो, लेकिन एज यू प्रोसीड फर्दर आपकी सैलरी इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके इतने फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रेडिट्स आपके हो जाए, कुछ पब्लिकेशन हो जाए, तो देन योर प्रोफेसर रिकमेंड्स फॉर द नेक्स्ट स्केल। तो ऑन दिस इनके अपने है कि स्टेप्स होते हैं मेरे ख्याल में 1, 2, 3, 4, 5, और वो आप एट मैक्स 3400। लेकिन ये बात भी है कि कुछ स्कॉलरशिप्स है, मैंने सुना है मारी क्यूरी के स्कॉलरशिप या कोई और दो तीन इस तरह की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, वो शायद इससे ज़्यादा भी फंड करें। और इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी अगर थर्ड पार्टी कोई स्कॉलरशिप हो तो वो फिक्स हो, उसमें यह है कि यार यू हैव दिस एग्रीमेंट कि यार आपकी ये फिक्स सैलरी होगी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। लेकिन ऑफकोर्स उसमें यह भी है कि आप उनके एम्प्लॉय नहीं हो, इट्स लाइक अ फंडिंग फॉर यू,
तो वो फंडिंग स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और एज सून एज दैट टाइम एंड्स फिर आपको दूसरी फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जैसे लाइक मैं जॉब कर रहा हूँ अभी कंपनी में और मैं साथ साथ PhD करना चाहता हूँ पार्ट टाइम, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, जो मेन चीज़ है इस तरह की अरेंजमेंट्स के लिए वो है कि आपका सुपरवाइजर एग्री हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो आपको सुपरवाइज कर रहा है यू हैव टू टॉक विद हिम और आपने इस तरह की अरेंजमेंट्स करनी है, कोई प्लान बनाना है कि यार यू विल वर्क पार्ट टाइम फॉर योर रिसर्च एंड आप फुल टाइम यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो, तो उसमें है कि मैन आपकी फंडिंग कंपनी की तरफ से कराना शुरू हो जाती है एंड यू हैव टू फोकस देयर एट योर कंपनी साइड। और ये पेड होती है अनपेड होती है पार्ट टाइम PhD? तो पार्ट टाइम भी आप निगोशिएट कर सकते हो अपने प्रोफेसर के साथ। अगर आपको सर्टन अमाउंट ऑफ सम आवर्स आप उस प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो इन रिसर्च ग्रुप, तो ऑफ कोर्स यू विल पे सम अमाउंट टुवर्ड्स योर सैलरी। लेकिन उस केस में ये भी है कि इट कैन ऑल्सो बी अनपेड, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब अगर कंपनी में कर रहे हो तो यू वॉन्ट हैव टाइम टू फोकस ऑन द कंपनी सॉरी ऑन द रिसर्च ग्रुप प्रोजेक्ट। तो उस सीन में है कि आप प्रोफेसर के साथ एग्रीड हो जाते हो पहले से कि यार आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ पब्लिकेशन यू विल गिव यू अ गो अहेड फॉर योर फिनिशिंग योर PhD और राइटिंग अ थीसिस। तो वो बड़ा वेरी करता है, इट कैन बी कम्प्लीटली अनपेड फ्रॉम द रिसर्च परस्पेक्टिव साइड बट ऑफकोर्स यू विल गेट सैलरी फ्रॉम द कंपनी बिकॉज यू आर वर्किंग देयर। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप निगोशिएट कर लो कि यार सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स जो है आप यूनिवर्सिटी में किसी प्रोजेक्ट पे किसी रिसर्च काम के लिए लगाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट कहीं से फंड हो रहे होते हैं किसी कंपनी से किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक विद योर सुपरवाइजर और वो किस तरह की अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? अच्छा, PhD की ड्यूरेशन ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह का आपका प्लान है, क्योंकि फिनलैंड में जो इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी एज ए PhD स्टूडेंट है वो बड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू के यार आपकी PhD की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कुछ लोग 3-4 सालों में भी कर लेते हैं और हमारे एक दोस्त थे वो 18 सालों में लगा लिए थे क्योंकि वो कंपनी में जॉब कर रहे थे, फॉर देम इट डजंट मैटर कि आप PhD कम्प्लीट करो। तो एट द एंड इट्स नॉट लाइक कि यार आपके एग्जाम हो गए और जी आपकी PhD कम्प्लीट हो गई और वो स्टेप बाई स्टेप नहीं। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक कि वन यू हैव डन गुड इनफ रिसर्च और आपका प्रोफेसर आपको गो अहेड दे दे कि यार ओके नाउ दीज आर द रिक्वायर्ड पब्लिकेशन जो कि हो चुकी है और रिसर्च जो आपकी कम्प्लीट हो चुकी है, नाउ स्टार्ट राइटिंग योर थीसिस। तो आई वुड से कि 4 से 5 साल इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेट है, 4 साल एवरेज, 5 साल 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 4 से 5 साल मेरे ख्याल में ये बड़ा नॉर्मल है। एक लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर जो पाकिस्तान से PhD के लिए आना चाहते हैं उनके लिए काइंडली शॉर्ट लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता दें। अच्छा, IELTS इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ा प्रिलिमिनरी है। CV आपकी हो गई, मोटिवेशन लेटर हो गया, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्राम योर प्रोफेसर्स और आपका जो रिसर्च प्लान है वो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्रुप्स या प्रोफेसर जो है वो आपसे रिसर्च प्लान नहीं मांगते, वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फंडिंग हो चुकी होती है एंड दे विल इंटरव्यू यू फॉर समथिंग। लेकिन यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में वो एज अ फॉर्मेलिटी कभी कभी मांग लेती है रिसर्च प्लान। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई इतनी खास चीज़ें नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि PhD में रहते हुए आप कैसे जल्दी कंटिन्यू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका टाइम का, इंशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, हाफ़िज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सब तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।